उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में धांधली पर 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई तो कई को जमानत भी मिल गई है। अब तक कुल 20 लोगों को विभिन्न कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इनका विरोध हाईकोर्ट में किया जाना था। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन से एक प्राइवेट वकील नियुक्त करने की मांग की थी। शासन ने ललिता शर्मा नाम को मंजूरी दे दी है और ललिता शर्मा अब हाईकोर्ट में इन मुकदमों में एसटीएफ की ओर से पैरवी करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो UK SSSC द्वारा जो एग्जाम्स कराए गए थे उस संबंध में चार अलग अलग एग्जाम्स में चार FIR रजिस्टर की गई थी। उसमें एसटीएफ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुल मिलाकर अभी तक हमने 54 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अभी कल ही मनोज कुमार चौहान करके जो एक व्यक्ति है जो कि पशुधन अधिकारी सहारनपुर में तैनात थे, ये भी अक्यूज था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर अभी तक 54 गिरफ्तारी हो गई है। आगे भी इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे लोगों के नाम आएंगे उन पर आगे कार्रवाई।